हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। और आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं JSE बोर्ड का आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में JSE बोर्ड की तरफ से मैट्रिक का रिजल्ट और साथ ही इंटरमीडिएट साइंस का रिजल्ट घोषित किया है, जिसमें दोस्तों बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं कि JSE बोर्ड की तरफ से जितने भी अभी आर्ट्स के अभ्यर्थी हैं जो अपना रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों। क्या गुड न्यूज़ है, कैसे दोस्तों आपको अपना रिजल्ट चेक करना है, कब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, आपको इसी तरह वीडियो की नोटिफिकेशन अगर आप और भी पाना चाहते हैं हमारे इस चैनल पर, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है उसको आप प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया टॉपिक पर वीडियो पोस्ट करूँगा तो सबसे पहले आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं jac.jharkhand.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन करके रखा है। अभी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं JSE बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर मैंने ओपन करके रखा है jacresult.com पर। अभी आप देख सकते हैं इस पर हम जैसे क्लिक कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा है साइन इन करने के लिए और यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो ये कब मांगा जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए कि जब कोई भी अपडेट किया जाता है वेबसाइट पर, कुछ भी वहाँ पे वर्क होता है उस वेबसाइट पर, तब दोस्तों जो उसका एडमिन होता है वही इसको लॉगिन कर पाता है। तो यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड इंटर करने के बाद, साइन इन करने के बाद आगे का काम होता है। तो अभी दोस्तों ये पब्लिकली जो है यूज़र के लिए एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आईडी पासवर्ड मांगा जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब आप समझिए कि आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द घोषित होने वाला है, आपका रिजल्ट तैयार होने वाला है। आप सभी को बता दूँ कि एक जानकारी के अनुसार, आपको बता दूँ कि इंटरमीडिएट का जो आर्ट्स का और साथ ही दोस्तों जो कॉमर्स का रिजल्ट होगा, वो दोस्तों आपको बता दूं कि 30 तारीख को घोषित होने की पूरी संभावना है, यानी 30 मई को। अगर इन केस 30 मई को घोषित नहीं होता है तो 31 मई को दोस्तों आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। मैं आपको बता दूं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है रिजल्ट की अंतिम चरण की तैयारी एकदम पूरी कर ली गई है, और साथ ही इससे रिजल्ट संबंधित सारी प्रक्रियाएं जो भी होती है वो सोमवार तक पूरी कर ली गई है। आपको बता दूं कि 30 मई को रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। हो सकता है कि अगर आपको 30 मई को रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है तो पूरी उम्मीद है कि 31 मई तक दोस्तों आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। आप सभी को बता दूं कि इंटरमीडिएट आर्ट्स में करीब 2.12 लाख छात्र छात्राएं शामिल हुए थे, साथ ही जबकि इंटरमीडिएट कॉमर्स में 38,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए एक अपडेट वीडियो है कि आपको जल्द से जल्द अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपको थोड़ा सा सब्र रखना है। तो दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं कि हम अपना रिजल्ट कैसे चेक कर पाएंगे। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको क्या करना होगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पर दोस्तों मैं वेबसाइट का लिंक दे दिया हूँ, आप jacresult.com पर जा सकते हैं या jacresultjharkhand.gov.in पर जा सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमारा वेबसाइट का जो पेज है उस पर जा सकते हैं, वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहां पे जो सर्च का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप यहां पे JSE लिखने के बाद यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बोर्ड रिजल्ट 2023। जैसे दोस्तों JSE बोर्ड रिजल्ट 2023 लिख करके सर्च करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको आर्टिकल मिल जाएगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 10th और 12th का मैट्रिक और साइंस का मैंने दिया था इंटरमीडिएट का, तो इसका रिजल्ट चेक करने के लिए आर्टिकल दिया गया है, साथ ही डायरेक्ट लिंक भी दिया गया है। तो आपको यहीं पर दोस्तों आर्टिकल मिल जाएगा, सिंपली आप रीड मोड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरा आर्टिकल ओपन होगा, जहाँ पर आपको स्टेप बाई स्टेप तरीका बताया गया है कि कैसे आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे, और साथ ही डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर पाएंगे। इसके लिए तो आपको यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट लिंक दे दिया गया है, जिस पर आप क्लिक करके आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। तो आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो एक अपडेट वीडियो है, आप सभी के लिए हेल्पफुल हुआ होगा ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।